हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। यह वीडियो मौत और रहस्य पर आधारित है। अगर आप इन विषयों पर खुद को संभाल नहीं पाते या फिर इस विषय पर कुछ सुनना नहीं चाहते तो इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर देखें। वैसे तो YouTube पर हर तरह की वीडियो मौजूद है, यहाँ तक कि YouTube को दूसरा गूगल भी कहा जा सकता है। यहाँ हर तरह की अच्छी और बुरी वीडियोस मौजूद हैं। YouTube को आज के समय लोग एक प्लेटफॉर्म की नज़रों में देखते हैं। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं अपना नाम बनाने, पैसे कमाने, क्योंकि यहाँ पर पैसे कमाने की असीमित अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मगर इस शोहरत और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक चैनल की बात करेंगे जो खुद में ही एक रहस्य बनी हुई है, जिसमें मौजूद है कुछ रहस्यमय वीडियोज़। और इन वीडियो को देख कर हर कोई विस्मित है। सब जानना चाहते हैं आखिर कौन है ये क्रिएटर, मगर वह अपनी पहचान छुपाए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस चैनल का पूरा सच। मेरी आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये सच सब तक पहुँचे। सोचिए, अगर मैं आपको बता सकता कि आप कब मरने वाले हैं, वो सटीक दिन, वो सटीक महीना और वो सटीक साल जब आप और मैं इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जी हाँ, 2020 विजन नामक एक चैनल ने कई महान हस्तियों के मौत का दिनांक पता लगा लिया था। शायद इसीलिए इस चैनल का नाम 2020 विजन रखा गया था, क्योंकि यह चैनल 2020 में होने वाले हादसों को पहले ही पता लगा सकती थी। 2017 में शुरू हुआ एक आम चैनल जिसमें महज 256 वीडियो अपलोड करी गई थी और सबके सब लगभग 10 से 15 सेकेंड की है। उन वीडियोस के थंबनेल में सिर्फ एक आँख है और उस हस्ती का नाम जिसकी मौत होने वाली है। इन वीडियोस में दिखाई देने वाली एक गुलाबी रंग की आँख, यानी कि पिंक आई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो तीन बार झपकती है और उस सटीक दिन, महीने और साल के बारे में बताती है जिस समय उस व्यक्ति का मौत होने वाला है। उस चैनल पर पहली वीडियो 15 जून 2017 को अपलोड हुई थी, जिसका टाइटल था आईज ओपन और एक आँख खुलता है। और उसके बाद एक के बाद एक वीडियो डाली गई जिसमें महान हस्तियों की मौत की तारीख थी और उनका नाम था। यह सारी वीडियो सिर्फ 5 से 10 सेकंड की है, जिसमें प्रणब मुखर्जी, एसपी बालासुब्रमण्यम जैसे कई सितारों का नाम भी शामिल है। और उनके बाद अगस्त 2017 में आखिरी वीडियो आया जिसका नाम था आईज क्लोज्ड और आँख बंद हो जाता है। अगर हम एक अनुमान लगाएं कि ये कैसे हो रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि तीसरी आँख खुल चुकी है और दैव्य शक्ति का हाथ है, या फिर शायद कुछ स्कैमर्स का एक ग्रुप का हाथ है जो सिर्फ लोगों की नज़रों में आने के लिए या फिर कह सकते हैं एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। जब कोई क्रिएटर एक वीडियो अपलोड करता है तब उसके पास ऑप्शन होता है कि उसे पब्लिश करे और भविष्य में उसे चाहे तो एडिट भी कर सके। हो सकता है इस क्रिएटर ने एक लंबी सी वीडियो बनाई जिसमें साल का हर एक डेट हो और उस हस्ती का नाम हो और उसे अपलोड करके प्राइवेट कर दिया। जिस दिन भी उस हस्ती की मौत हुई, उस दिन उसने YouTube के इंटरनल एडिटर से उसे एडिट किया और वीडियो को पब्लिक कर दिया, जिससे कि आज हम सब उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो भले ही प्राइवेट हो या पब्लिक हो, YouTube उसी दिन को मानता है जिस दिन ये वीडियो YouTube पर अपलोड करी गई थी। इसीलिए हर वीडियो आपको 3 साल पुरानी ही लगेंगी। और तो और, वीडियोस के कमेंट भी सिर्फ कुछ ही महीने पुराने हैं, कुछ तो कुछ दिन ही पुराने हैं। अगर ये वीडियो सच में 3 साल पुरानी होती तो एटलीस्ट एक ऐसा कमेंट होता जो कि 3 साल पहले बना होता, और इन वीडियोस के व्यूज़ भी आज ही बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है, और अगर सच में किसी के पास दैव्य शक्ति है तो मौत का तांडव फिर से शुरू होने वाला है। आज से करीब 1 महीने पहले एक वीडियो अपलोड करी गई जिसका टाइटल था टाइम और आँख खुल गया, यानी कि एक बार फिर से मौत का सिलसिला शुरू होने वाला है। जो भी है, उसका अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। अब आते हैं पिंक आई वाली बात पर, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में करी थी। जो भी ये सब प्रेडिक्ट कर रहा है उसका नाम है पिंक आई, जो कि हमें वीडियो में भी दिखता है। 2020 विजन के लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक डिस्कॉर्ड का लिंक था। मैं आपसे यही कहूँगा कि उस लिंक पर आप क्लिक ना करें और उस डिस्कॉर्ड के सर्वर को आप ज्वाइन ना हो। इस डिस्कॉर्ड के सर्वर को या फिर ग्रुप को इसलिए बनाया गया था ताकि हम और आप जैसे आम लोग भी अपने मौत का पता लगा सकें। अगर आपको अपनी मौत का पता लगाना है तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको एक शपथ लेनी पड़ती है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
इस ग्रुप का हम एक झलक दिखाने जा रहे हैं, मगर हम आपको यही कहेंगे कि इस ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि यह ग्रुप की बातें एक आम आदमी को पागल भी बना सकती है। यह ग्रुप बस वही लोग ज्वाइन करते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह ना हो, क्योंकि इस ग्रुप पर ज़्यादातर मौत, नेगेटिविटी की बातें चर्चा की जाती है। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान हमने ये भी पाया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों को खोने का बहुत ज़्यादा डर है, वो लोग भी इस ग्रुप में हैं। मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप इस ग्रुप को जल्द से जल्द लीव कर दें, यहाँ तक कि 2020 विजन की तरह 2021 विजन और 2022 विजन जैसे और कई स्कैम वाले चैनल भी शुरू हो चुके हैं। आप इन चैनल्स को सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमें धोखा दे रहे हैं, और आगे किसका नाम आएगा इसे जानने के लिए हम लोग इनके वीडियोस को व्यूज़ भी दे रहे हैं और इनकी सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा रहे हैं, तो आप इनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि यूट्यूब इसे और लोगों को भी दिखाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।